बिहार के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। इसका आयोजन नालंदा के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होगा। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा जोर लगा रहे हैं। खेल जगत में बिहार के बढ़ते कदम की जानकारी देने के उद्देश्य से ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है। 14 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच ये यात्रा पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और झारखंड के साथ बिहार के सभी 38 जिलों से गुजरेगी। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ट्रॉफी रखी गई और इसके साथ एकलव्य स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है पूरे बिहार राज्य के लिए कि जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन यहाँ बिहार में राजगीर में किया जा रहा है और 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 को होगा। इसमें कुल 6 देश की टीम भाग ले रही है जिसमें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत। और पूर्व में ये 2010 से शुरू हुई थी और पूर्व में दो बार भारत चैंपियन रह चुका है। इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा खेल हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा और राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचना विकसित हुई है उसका ये एक परिणाम है कि हम लोग इस प्रकार का इस लेवल का मैच यहाँ आयोजन करा पा रहे हैं। राजगीर में 11 से लेकर 20 नवंबर तक हॉकी को लेकर एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। दरअसल मौका है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का और इसके लिए 6 देशों की टीम यहाँ पे हिस्सा ले रही है। उसको लेकर बिहार सरकार ने तैयारी की है। कल नीतीश कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण ट्रॉफी और उसकी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी और आज पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम भी हुआ है। ये हमारे साथ जो है एकलव्य स्कूल के बच्चे हैं, एक बड़े एकलव्य स्कूल के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु कुमारी है। कहाँ से ऋतु आप? हम पटना से हैं। हॉकी खेलती हैं जी? हम एकलव्य सेंटर से हैं। स्टेट लेवल तक हम लोग खेले हुए हैं। ये जो बच्चे हैं, ये एकलव्य स्कूल के बच्चे हैं और इतना जो आयोजन हो रहा है, क्या कारण है? ये हम सबों के लिए गर्व का विषय है, हर बिहारी के लिए, कि ये बिहार में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये प्रतियोगिता जो है न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को स्थापित करेगी, साथ ही साथ इस बेहतर आयोजन के माध्यम से भी हम सभी यहाँ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। राज्य में हर महिला के बीच ये मैसेज जाए कि उन्हें खेल में जोड़ना है, उनके बीच खेल की संस्कृति जागृति उत्पन्न करने के लिए ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और ये इस वर्ष गत चैंपियन जो भारत है, ये भारत के लिए भी चुनौती है कि अपने जो है चैंपियंस बनने का जो गौरव है वो बचा रखे, कायम रखे। तो ये है बिहार के हॉकी के बच्चे हैं, कल को ये भी बिहार का नाम हॉकी क्षेत्र में रोशन करेंगे। तो बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हॉकी को लेकर काफी अच्छा काम किया है, खेल को लेकर काफी अच्छा काम किया है और राजगीर में भी शानदार स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।